हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लेसन नंबर 8 की जो चल रहा था अपना फंक्शन का, कि फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में बताया था मैंने। आज बात करेंगे कि इसमें कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल, किसी को कॉल करने का मतलब पुकारना या बुलाना होता है, और रेफरेंस का मतलब ये होता है कि एक को नाम न लेकर के दूसरे किसी नाम से बुलाया जाए, उसका कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। रेफरेंस का मतलब जैसे होता है ना, किसी आदमी का नाम न लेकर उसको उसके उपनाम से बुलाया जाए कि वो आदमी उसके जैसा है। ये बोला जाए कि जैसे आदिल है मोहम्मद के जैसा है ना, तो इस प्रकार से जो बोला जाए, या किसी वो उसके उपनाम से मोटू बोल दे किसी को, किसी को पतलू बोल दे, इस प्रकार से उनके जो दूसरे अदर नाम्स होते हैं उनको उनके द्वारा बुलाया जाता है। तो इसमें देखो, कॉल बाय पैरामीटर भेजने वाली विधि में कॉल फंक्शन कॉलिंग प्रोग्राम में जो वास्तविक पैरामीटर है, वास्तविक पैरामीटर को कॉल फंक्शन द्वारा फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है, जो वास्तविक वास्तविक पैरामीटर है, वास्तविक पैरामीटर को कॉल फंक्शन के द्वारा फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी किया जाता है। वो सेम का सेम यूज नहीं किया जाता, जो इसमें वास्तविक में होता है उसी की कॉपी उसमें कर ली जाती है। किसमें कर ली जाती है कि फॉर्मल पैरामीटराइज में कर ली जाती है, और फॉर्मल पैरामीटर पर किया गया बदलाव कॉलिंग प्रोग्राम में नहीं होता है। जो आप फॉर्मल में जो प्रोग्राम में बदलाव करोगे या जो चेंजेस करोगे, वो आपके जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं होगा। जिस प्रकार आपका कोई दूसरा उपनाम होता है वो कोई रिकॉर्ड में रहता है क्या? नहीं रहता। तो उसी प्रकार से इसमें भी ये कहा गया है कि जो आपके बदलाव करोगे आप, वो बदलाव वो कॉलिंग प्रोग्राम में नहीं होता है। कॉलिंग प्रोग्राम में वास्तविक पैरामीटर में बदलाव के लिए हम कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर भेजने वाली विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ये बताया कि रिटर्न बाय रेफरेंस, किसी चीज को आपने अभी ऊपर बताया कि कॉल किया है, आगे बताएंगे कि रिटर्न करना। रिटर्न का मतलब किसी चीज की वैल्यू प्रदान करना, या जो मान वापस देते हो वो भी रेफरेंस के द्वारा आप दे सकते हो। जैसे आपको किसी अक्ष का मान देना है, तो अक्ष बराबर एक था और अक्ष बराबर अक्ष प्लस वन हो जाता है, तो ये क्या हो गया कि अक्ष की वैल्यू पहले एक भी दी आपने और अक्ष प्लस एक भी कर दिया, अक्ष का मान कितना हो गया, एक और एक कितना हो जाता है, अक्ष बराबर यहाँ कितना हो गया, दो भी हो गया। तो ये रिटर्न वैल्यू के अंतर्गत भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना फंक्शन ओवरलोडिंग। आप जानते हो ओवरलोड का मतलब अति भार, या इसकी क्षमता से ऊपर या ज्यादा भार डाल देना ओवरलोड कहलाता है। तो ओवरलोड फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ही जो फंक्शन होता है उसको बार बार यूज करके उसे अलग अलग प्रकार के काम करवाए जाते हैं। जैसे एक ही प्रोग्राम में आपके सम बराबर ए प्लस बी दे दिया, और सम बराबर ए प्लस बी प्लस सी दे दिया। तो सम का मतलब क्या है, यहाँ पे जोड़ना, तो ये यहाँ सम एक है वो दो संख्याओं का योग कर रहा है, यहाँ ये सम है ये तीन संख्याओं का योग कर रहा है, तो इसमें रिजल्ट आपको कौन सा देगा, तो ये इसकी अतिभारण या ओवरलोडिंग की स्थिति कहलाती है। फंक्शन आपका एक ही है और इसको अलग अलग काम दे दिया गया है, ओवरलोडिंग कर दिया गया है, ये कहलाता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। उसके बाद में आता है इनलाइन फंक्शन। जब फंक्शन का आकार छोटा होता है, जब फंक्शन अपने छोटे साइज में होते हैं, तब इस प्रक्रिया में काफी समय बर्बाद हो जाता है। क्या होता है, समय की या टाइम की बर्बादी ज्यादा हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए इनलाइन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 पूरा होता है। इसमें कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रिटर्न बाय रेफरेंस था, फंक्शन ओवरलोडिंग था, और इनलाइन फंक्शन थे। इनके जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपको एक अलग से वीडियो में दे दिए जाएंगे, इसमें पूरे प्रोग्राम आपको एक साथ ही उपलब्ध हो जाए, इसे याद करने में समझने में समस्याएं नहीं रहे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक्स।